अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पूर्ण अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी सोच का परिचायक है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया।